सिंगू बॉर्डर पर निहंगों द्वारा दलित लखबीर की निर्मम हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेज से वायरल हो रही है, जिसमें एक बौद्ध भिक्खु की जमकर तारीफ हो रही है। लोग इस पोस्ट की सराहना कर रहे हैं। पोस्ट में लिखा है कि बौद्ध भिक्खु से एक पत्रकार ने पूछा कि कोई अगर आपकी पवित्र पुस्तक त्रिपिटक को फाड़कर शौचालय के कमोड में फेंक दे तो आप क्या करेंगे। बौद्ध भिक्खु ने उत्तर दिया कि मैं सबसे पहले प्लम्बर को फोन करूंगा ताकि नाले चौक न हो जाए। इस पर पत्रकार को हंसी आती है। दूसरा पर्सन पूछता है कि बामियान में बुद्ध प्रतिमा नष्ट कर दी गई, इस पर आप क्या कहेंगे। बौद्ध भिक्खु ने कहा कि धर्म ना तो मूर्तियों में है और ना ही प्रेस पर छपी किताबों में है। धर्म हमारे दिलों में है और हमारे व्यवहार में जब तक जिंदा है तब तक किताबों को फाड़ने से कुछ नहीं होता। किताब हम दोबारा छपवा लेंगे, बना ले जाएगी, लेकिन अगर हम अपने आचरण और अपने दिलों में धम को खो देते हैं और किताबों मूर्तियों को बचा लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तब केवल मूर्तियां और किताबें रह जाएंगी। धम खो चुका होगा, उसके प्राण खो चुके होंगे। पूरा इंटरव्यू सुनने लायक है और बाकी के सभी धर्मों हिंदू सिख ईसाई आदि को इसे समझने की जरूरत है। हमारी धार्मिक किताबों का अपमान हो गया, हम सब देश जला देंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र प्रेम और शांति का संदेश देता था। तब हम अपनी किताब की रक्षा के लिए प्रेम और शांति को नष्ट कर देते हैं और उस किताब को बचा लेते हैं जिसमें प्रेम और शांति का संदेश लिखा था। इसलिए कहते हैं कि बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान, सम्यक शिक्षा करता जो सिलवान, अहिंसा की ताकत से जो बलवान, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। ईश्वर क्या बने तू, पहले बन इंसान, कर्म कांडों से नहीं मिलता भगवान, चमत्कार नहीं दुनिया में तू मान, मानव सेवा ही तुझसे नीति बद्ध है, तू बुद्ध है, तू बुद्ध है।